आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीयू भी बूथ लेवल के स्तर पर कार्यकर्ताओं को पूरे बिहार में अब मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में आज रोहतास जिले में विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरअसल डेहरी के एक निजी होटल में आयोजित सम्मेलन में काराकाट के जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने कहा कि जेडीयू कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। कहा कि जेडीयू कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं तथा लगातार सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार पूरा विपक्ष मुद्दा विहीन होकर राजनीति कर रही है, ऐसे में जेडीयू के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। सीएम नीतीश कुमार के कार्यों की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। कार्यक्रम में पूर्व विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह, पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम के अलावा अन्य नेतागण उपस्थित हुए। इस अवसर पर पंचायत तथा वार्ड लेवल पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यकर्ताओं को बताया गया कि किस प्रकार नीतीश कुमार की सरकार जन आकांक्षाओं को लेकर चल रही है, ऐसे में सरकार के कार्य बेहतर तरीके से जमीन पर उतरे, इसकी भी जवाबदेही कार्यकर्ता को है। मौके पर राजू गुप्ता, नगर अध्यक्ष प्रमोद महतो, डेहरी प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार सिंह, लल्लू चौधरी, बिट्टू महतो, अरुण शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अपन बिहार। जनता दल यूनाइटेड जो है पहली बार पार्टी का विस्तार बूथ स्तर तक ले जाने का काम किया है। जिस तरह से हम प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष मिलकर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाए हैं, उसका ये पहला सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को बूथ स्तर तक खड़ा करें, क्योंकि हमारी पार्टी का नारा है बूथ जीतो चुनाव जीतो। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आगामी विधानसभा बहुत नजदीक है। जब तक हम लोग बूथ स्तर पर मजबूत नहीं रहेंगे तो आगामी विधानसभा के चुनाव के परिणाम को जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव जीतने के लिए हमें बूथ स्तर तक मजबूत रहना बहुत जरूरी है। ये कार्यकर्ताओं का जो प्रशिक्षण शिविर है ये बूथ स्तरीय है, क्योंकि हर बूथ से हमारे बूथ अध्यक्ष और सचिव इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसके लिए हम लोग पूरे बिहार में विधानसभा स्तर पर एक प्रशिक्षण शिविर हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष है उसको तो कोई मुद्दा है नहीं बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए कि मतलब विपक्ष अब एक नया मुद्दा लेके चल रहा है बिहार में। आप लोग देख रहे हैं जब घूम रहे हैं जो विपक्ष के नेता, तो वे कहते चल रहे हैं कि अब सड़क में गड्ढा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास कुछ नहीं हुआ है, तो कहीं ये स्कूल नहीं है। इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज से 15 साल पहले बिहार की जनता ने आपको बिहार की सेवा करने का मौका दिया था।